चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। कोलकाता केस में पकड़ा गया बड़ा रैकेट, सामने आए ऐसे बड़े बड़े नाम कि हिल गई सीबीआई। सात लोगों ने मिलकर किया था ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म। अदालत में दरिंदे संजय रॉय ने जो बयान दिया है उससे ये बात तो साफ हो गई है कि कोलकाता अस्पताल कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। दरिंदे संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे साफ हो गया कि डॉक्टर के साथ जो कांड हुआ है उसमें वो अकेला नहीं था। ऐसे ऐसे बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि जो इस केस को बंद कराने में अपना सारा पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। गवाहों को खरीदने के लिए और सबूतों को मिटाने के लिए पूरी पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेनोवेशन के नाम पे जो तोड़फोड़ हुई और सबूत मिटाए गए उसके बावजूद भी अब सीबीआई के हाथ एक काफी बड़ा सबूत लग गया है। दोस्तों हाल ही में अदालत में दरिंदे संजय रॉय ने वो कबूल किया है जिसके इंतजार में पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा हुआ था। पूरे भारत को ये बात अच्छे से पता थी कि ये काम एक बंदे का नहीं है और ये शक अब हकीकत में बदलते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस जघन्य अपराध में कोई एक नहीं या दो नहीं बल्कि तकरीबन सात लोग शामिल है और ये पूरी की पूरी घटना पूरे तरीके से प्लान थी। इसी वजह से अभी के समय सीबीआई भी फुल एक्शन में आ गई है जिसकी वजह से कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के केस के सात आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी शुरू हो गया है। सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में डॉक्टर के साथ जो हुआ उस घटना के दौरान लड़की की चीख किसी को भी सुनाई क्यों नहीं दी, इस सवाल का जवाब भी सीबीआई जानने की कोशिश कर रही है। सीबीआई को इस बात पे शक है कि इस अपराध को बिना किसी रुकावट के कैसे अंजाम दिया गया, क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था, आखिर सेमिनार हॉल के बाहर लड़की की चीख और शोर किसी को भी सुनाई क्यों नहीं दिया। इन सब बातों का रीजन ये बताया जा रहा है कि विक्टिम डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई है वो सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि किसी ऐसी सुनसान जगह पे की गई है। उन्हें किसी और रूम में ले जाकर जमकर मारा पीटा गया और फिर उनका रेप किया गया और अंत में जब उनकी सांसें चलना बंद हो गई उनकी आत्मा ने उनके शरीर का साथ छोड़ दिया तब जाकर उन दरिंदों ने लड़की की बॉडी को सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया। लेकिन दोस्तों अब जो संजय रॉय ने बयान दिया है उससे साफ हो रहा है कि वो अकेला नहीं था बल्कि इस जघन्य अपराध में कई सारे लोग शामिल थे। अदालत में संजय रॉय ने जो बयान दिया है उसके बारे में तो हम आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं उस सबसे बड़े खुलासे को लेकर जिसमें सात लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल अभी के समय सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में विक्टिम डॉक्टर के साथ जो हुआ है उसमें संजय रॉय ने नहीं बल्कि अस्पताल के साथ ट्रेनी डॉक्टरों ने ये अपराध किया था। उस पोस्ट में इस चीज का खुलासा किया गया कि पहले तो ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई और फिर उनकी टांगों को बेरहमी से चीर दिया गया। पोस्ट में बताया गया कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसके दोस्तों के बीच जो फोन पर बातचीत हुई है उसमें यह दावा किया गया जिसका उन्होंने ऑडियो भी शेयर किया है। आपको बता दें कि ये ऑडियो बंगाली लैंग्वेज में है इसीलिए माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से कई सारे गंभीर सुराग मिल सकते हैं। दावा किया गया कि विक्टिम डॉक्टर एक काफी ज्यादा होशियार स्टूडेंट थी लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ ऐसे बेहद भयानक राज पता चल गए थे जो अगर दुनिया के सामने आ जाते तो शायद काफी सारे लोग सलाखों के पीछे आ जाते जिसकी वजह से उन्हें काफी सारी धमकियां दी जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो डॉक्टर नहीं डरी। उस ट्रेनी डॉक्टर ने कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वो अस्पताल की सारी काली करतूतों को उजागर कर देगी और इसीलिए पिछले 6 महीने से लगातार उस ट्रेनी डॉक्टर को परेशान किया जा रहा था। उस डॉक्टर को बिना रुके 26 से लेकर 30 घंटों तक की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था। उस डॉक्टर के ऊपर काम का काफी भारी तरीके से प्रेशर डाला जा रहा था जिसकी वजह से ये बात तो साफ है कि उस कॉलेज का प्रिंसिपल और हॉस्पिटल के कई सारे लोग उस महिला के खिलाफ खड़े थे क्योंकि वो डॉक्टर सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। जिसकी वजह से 9 अगस्त की रात को उन तमाम लोगों ने मिलकर डॉक्टर के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। विक्टिम डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने से पहले एक प्रॉपर पूरे तरीके से प्लान बनाया गया और ये अब तक का सबसे बड़ा खौफनाक खुलासा है। सीबीआई भी इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें कि शक के घेरे में एक और चीज है और वो ये है कि पहले कई सारे पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में ही आराम करते थे लेकिन उस रात उस ट्रेनी डॉक्टर को वहाँ अकेला सोने के लिए कहा गया जिसके बाद उस डॉक्टर को वहाँ पे सुला दिया गया और हॉस्पिटल में ये अफवाह उड़ा दी गई कि वो कमरा निर्माण के अधीन है जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी सोने ना जा सका जिसके बाद सेमिनार हॉल में कोई भी सोने के लिए नहीं गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने ये दावा भी किया था कि घटना से पहले उस ट्रेनी डॉक्टर ने अपने 4 जूनियर स्टूडेंट्स के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था और उन चारों में एक लड़की भी शामिल थी और इसीलिए अभी के समय ये चारों लोग भी सीबीआई के रडार पर बने हुए हैं और इसीलिए इनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा रहा है। इसके बाद जब वो विक्टिम डॉक्टर वहाँ पे सो गई करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पीकर वो सेमिनार रूम में आए। उन्होंने डॉक्टर का हाथ कसके पकड़ा, उसे मारपीट करी, डॉक्टर के साथ दरिंदगी करी और फिर लड़की को जान से मार दिया गया। और तो और ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि इस वारदात में एक महिला इंटर्न ने भी मदद करी थी। उन 7 में से 2 लोगों ने डॉक्टर के पैर पकड़कर दोनों पैरों को अलग अलग दिशाओं में खींचा जिसकी वजह से डॉक्टर की पैरों की हड्डियां टूट गई। उन लोगों ने डॉक्टर की गर्दन को भी तोड़ दिया, आंखें फोड़ दी गई और खोपड़ी को इस तरीके से कुचला कि खोपड़ी भी लगभग फट गई और इस तरह उन 7 लोगों ने डॉक्टर के साथ इतनी बुरी तरीके से हैवानियत करी थी।
खैर अब तो सीबीआई की जांच ही इस पूरी घटना से पर्दा उठा सकती है, और अगर ये दावे सच हुए तो फिर सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत जरूर मिलेंगे, जिसके बाद संजय के साथ साथ इन 7ों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद जब वो 7 लोग इस पूरी वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्हें संजय रॉय दिखाई दिया, जो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। फिर इन्हीं डॉक्टरों ने संजय से ऐसा कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए एक लड़की है और जो करना है वो करो। इसके बाद जब संजय रॉय सेमिनार हॉल में गया तो उसने वहाँ पे उस ट्रेनी डॉक्टर को पड़ा हुआ पाया, फिर उस डॉक्टर के साथ गलत काम किया, जिसकी वजह से उसका सीमन भी उन बाकी लोगों के सीमन के साथ डॉक्टर की बॉडी के शरीर में चला गया। इसीलिए कोलकाता के इस केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी शुरू हो गया है, और जो मुख्य आरोपी संजय रॉय है उसका टेस्ट जेल में ही हो रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और 4 डॉक्टर जो कि वारदात की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ थे, सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। इसी के साथ साथ अदालत में आरोपी संजय रॉय ने एक बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल 23 अगस्त को कोर्ट ने संजय को 14 दिन की कस्टडी में भेजा था, और इसी सुनवाई के दौरान संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार भी हुआ था। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार क्यों हुआ, जिसके बाद संजय ने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट से ये साबित होगा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। जिसके बाद तो संजय के इस बयान ने मानो कि बवाल ही खड़ा कर दिया हो, क्योंकि वो खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई सारे लोग शामिल हैं, जिसकी वजह से सीबीआई अभी के समय फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कुछ भी सबूत छुपाए जा सकते थे या फिर मिटाए जा सकते थे वो सब कुछ किया है। चाहे पुलिस हो या फिर बड़े बड़े लोग, सभी ने इस केस को दबाने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन जब से कोर्ट ने इस केस को सीबीआई के हाथों में सौंपा है तब से उनके भी पसीने छूटने लगे हैं। लेकिन दुखद बात तो यह है कि पुलिस की वजह से इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी सबूत मिटाए गए हैं उनकी वजह से सीबीआई को कुछ सबूत हाथ नहीं लग रहे, क्योंकि उन्हें तो पहले ही मिटा दिया गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन वो बार बार अपने बयान बदल रहे हैं, जिससे ये बात तो साफ है कि उनका इस कांड में काफी बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की चिटकनी यानी कि लॉक पिछले कुछ दिनों से टूटा हुआ था, और ये बात सभी को पता थी, जिसकी वजह से जब रात को डॉक्टर वहाँ पे सो रही थी तो ऐसे में वो सेमिनार हॉल का दरवाजा बंद नहीं कर पाई। इसीलिए अभी सीबीआई के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सेमिनार हॉल में ये सब हो रहा था तो भला उस समय हॉस्पिटल में किसी को भी लड़की की चीखें सुनाई क्यों नहीं दी। खैर दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर कोलकाता डॉक्टर जरूर लिखें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।